टुडे इज योर सब्जेक्ट अरेंजमेंट एक्टिविटी क्लास। आज की सब्जेक्ट अरेंजमेंट एक्टिविटी क्लास में मैं आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ बताएंगे, ठीक है। जो हमारे गोल्डन डेज में पीपल थे उनके पास कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे वो चीजों को मेजर कर सकते थे, तो उस टाइम वो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स का यूज करके मेजरमेंट करते थे, लेंथ का मेजरमेंट करते थे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है? हमारा जो हमारा हैंड होता है उसकी जो हमारा टॉप से लेके लास्ट वाले फिंगर तक का स्पेस हमारा हैंड स्पैन कहलाता है। तो इस तरीके से वो अपने हैंड को यूज करके लेंथ का मेजर करते थे। सेकेंड वन इज फुट स्पैन। फुट स्पैन पैर, पैर की जब हमारी एल्बो होती है, एड़ी होती है, वहां से लेके पैर के फिंगर तक उतना डिस्टेंस हमारा फुट स्पैन कहलाता था। तो फुट स्पैन के यूज से भी वो लेंथ को मेजर करते थे एंड फिंगर से भी वो अपनी चीजों की, थिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करते थे। एंड पेस, पेस क्या होता है? जो हमारे फुट होता है, हमारे पैर होते हैं, तो जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो जो हमारे दोनों पैरों के बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारा होता है पेस। तो पेस की हेल्प से वो लोग एरिया, किसी भी लैंड का एरिया मेजर करने के लिए पेस का भी यूज कर देते। एंड लास्ट वन है हमारा क्यूबिट। क्यूबिट हमारा कॉनी से लेके फिंगर, यानी कि हमारी एल्बो से लेके फिंगर तक का स्पेस क्या कहलाता है? क्यूबिट। तो वो क्यूबिट की भी हेल्प से लेंथ को मेजर करते थे। तो ये थे हुए हमारे ओल्डन डेज के मेजर करने के तरीके। ओल्डन डेज में क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था मेजरमेंट के लिए, तो वो अपने बॉडी के पार्ट्स को यूज करके ही मेजर करते थे। बट नाउडेज आजकल के डेज में हमारे पास क्या है? स्केल है, इंची टेप्स है, उनकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर